हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेणुका क्रिएशन में आप देख रही हैं माइक्रोम से बना हुआ फ्लावर पॉट जी हाँ फ्रेंड्स ये मैंने रेड कलर में बनाया है आप चाहे तो कलर चेंज करके भी बना सकती हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय लगेगा तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मेरे वीडियो को तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका माइक्रोम फ्लावर पॉट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है रेड कलर की माइक्रोम एक लच्छी ली है यहाँ पे हमने एक रिंग लिया है लाइटर सीजर कैंडल और कुछ बिट्स और बेल्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमें माइक्रम कट करना है तो इसकी जो लेंथ हमने लेनी है वो एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो फोर मीटर के अप्रॉक्स होगी अब देखिए यहाँ रिंग की जो साइज है वो थ्री पॉइंट फाइव इंच है और ये कॉर्ड जो है हमने रेड कलर की कॉर्ड ली है और यहाँ पे हमने टोटल सिक्स कॉर्ड लिया है सिक्स कॉर्ड है और इसकी जो लेंथ है कॉर्ड की वो फोर मीटर है इन स्टेप से आप फोर मीटर इस तरह से इसे नाप ले और कट कर लें कट करने के बाद ये सारे कॉर्ड को हमें हाफ कर लेना है देखिए इसे सेंटर करके इसके बाद इसमें हम डिजाइन बनाएंगे अब देखिए सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है चार कॉर्ड में से कोई दो कॉर्ड लेने हैं हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है दूसरे वाले कॉर्ड को इसके नीचे से हमें इस तरह से यहां से बाहर की ओर निकालना है इस तरह से हमने निकाला सेकेंड इस वाले कॉर्ड को इसके ऊपर रखना है और इस वाले कॉर्ड को इसके नीचे से हमें इस होल में निकालना है और इसे अब आप टाइट कर लें अब नेक्स्ट यही प्रोसेस हमें अगेन आगे करना है सबसे पहले राइट हैंड वाले कॉर्ड इसके ऊपर रखने है फिर लेफ्ट हैंड वाले कॉर्ड इसके अंदर से हमें निकालना है और इसे टाइट करना है इस तरह से हमें आगे बनाते जाना है ये आप ट्वेंटी टाइम्स ये नॉट वन टू इस तरह से हमें काउंट करना है ट्वेंटी टाइम्स अब देखिए यहाँ पे ये ट्वेंटी टाइम्स हो गए हैं नॉट अब हमें क्या करना है इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइंट करना है और ये सबसे लास्ट वाले जो कॉर्ड है यहां पर वाले कॉर्ड इसको हमें सिंपली इसके ऊपर इस तरह से घुमाना है और नीचे से हमें कॉर्ड को निकाल लेना है और इसे आप टाइट कर लें नेक्स्ट फिर वही प्रोसेस हमें आगे करते जाना है इस तरह से देखिए ये नॉट बनते हुए जाएंगे तो इस तरह से ये वन टू थ्री नॉट है यहां पे हमें इलेवन टाइम सेम यही नॉट हमें बनाते जाना है तो इस तरह से ये कर्व होते हुए ऐसे घूम के इस तरह आ जाएंगे अब देखिए यहां पे हमने इसे इलेवन टाइम फोल्ड कर दिया है अब हमें क्या करना है यहां पे वन टू थ्री फोर फोर कॉर्ड हमें लेने हैं और इस तरह से हमें एक नॉट बनाना है फिर अगेन इस वाले कॉर्ड को इसके ऊपर रखनी है इसे टाइट करना है तो सेम वही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था तो इस तरह से हमें इसे तीन सेक्शन में डिवाइड करना है फोर फोर कॉर्ड लेकर के ये तीन सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे और सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें ये थ्री सेक्शन में डिवाइड करना है चार चार कॉर्ड लेकर और इसे बनाने के लिए हमने इस तरह से नॉट बनाया है पहले राइट हैंड ऊपर की ओर लेते हैं हमें दो कॉर्ड सेंटर में रखकर इस तरह से फिर लेफ्ट हैंड वाले कॉर्ड इसके ऊपर रखना है और राइट right हैंड वाले कॉर्ड इसके नीचे से हमें इस तरह यहाँ इस होल में निकालना है और इस नॉट को टाइट करना है देखिए सेम यही प्रोसेस से हमने यहाँ पे सारे नोट बनाए हैं तो इस तरह से हमें सबसे पहले यहाँ पे ट्वेंटी टाइम्स सेम ये इस तरह से काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से हमें ट्वेंटी टाइम बनाना है फिर वो ग्रीन बीट्स यहाँ पे तीन पीस लगाने हैं तो अब मैं आपको बीट्स लगाकर दिखाती हूं अब देखिए यहाँ पे हमने ट्वेंटी टाइम्स बना दिया है इसे काउंट करने का तरीका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी हो जाने के बाद ये दो कॉर्ड बीच वाले लेने हैं और हमें अब इसमें तीन बिट्स लगाने हैं वन टू एंड थ्री तीन बिट्स हमने यहाँ पे लगा दिया सेंटर वाले में अब हमें क्या करना है एक बिट्स आगे की ओर रखनी है और फिर अगेन राइट हैंड ऊपर फिर लेफ्ट हैंड इसके नीचे से हमें इस तरह से सेम यही वाले नॉट हमें वन टाइम बनानी है इस तरह से फिर एगेन इसे और इसे टाइट करना है फिर दूसरे बिट्स को ऊपर करना है फिर इस तरह से हमें एक नॉट बनानी है एगेन थर्ड वाले बीट्स को लेकर हमें सेम इस तरह से हमें ये प्रोसेस बनाया है यहाँ पे आप देखें थ्री बीट्स लगाकर और इसके बाद बीट्स लगाने के बाद अगेन हमें इस तरह से ट्वेंटी टाइम्स यहाँ बनानी है तो तीनों तीनों जो लड़ी है इसे हमें सेम इस तरह से थ्री थ्री बीट्स लगा के ट्वेंटी टाइम्स बना लेना है अब देखिए यहाँ पे इसकी जो तीन लाइनें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है तो यहां से बिट्स लगाने के बाद भी हमने यहां से ट्वेंटी टाइम्स हमने ये नॉट बनाए हैं। अब हमें क्या करना है रिंग लेनी है और रिंग के ऊपर इस तरह से सेलो टेप फोल्ड करना है आप इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर अप कर ले इस तरह से कवर अप करने के बाद हमें अब देखिए यहाँ रिंग को हमने फोल्ड कर लिया है सेलो टेप से और अब हमें क्या करना है इस तरह से एक एक लाइन इस तरह से हमें रिंग के अंदर इस तरह रखना है और रिंग के ऊपर हमें कॉड को वन एंड टू टाइम्स इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसे टाइट कर ले तो सेम दो कॉर्ड इस साइड से फोल्ड होंगे और दो कॉर्ड इस साइड से तो इधर वाले कॉर्ड को अब देखिए टाइट कर लें इसे कॉर्ड को फिर अगेन टू टू टाइम्स हमें सारे कॉर्ड को यहाँ फोल्ड करना है तो यहाँ पे फोर कॉर्ड थे तो यहाँ पे ये यह एट हो जाएंगे इसे भी हमें फोल्ड करना है तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें तीनों लाइन जो है इसके इसमें हमें फोल्ड कर देना है अब देखिए यहाँ पे हमने इसे रिंग में अटैच कर लिया है और अब हमें क्या करना है वन टू थ्री थ्री सेक्शन में डिवाइड हो गया है और अब इस वाले सेक्शन में हर सेक्शन में दो दो कॉर्ड हमें यहाँ पे ऐड करनी है तो देखिए यहाँ पे हमने वन वन मीटर के कॉर्ड कट किए हुए हैं और इसे इस तरह से इक्वल कर ले इक्वल करने के बाद रिंग के अंदर से हमें कॉर्ड इस तरह से इसे दो कॉर्ड वन सेक्शन में इस साइड में हमें लगाना है और कॉर्ड लगाने के बाद फिर अगेन हमें इसके ऊपर से रिंग के ऊपर से इसे टाइट करें इस साइड से इसके अंदर और फिर हमें इसे टाइट करना है तो देखिए पहले ये दो लाइन थे रिंग पे अब ये फोर टाइम हो गए तो इसी तरह से हमें इसे भी करना है और सारे सेक्शन में ये जो दो सेक्शन और बच जाते हैं सेम उसमें हमें इस तरह से कॉर्ड को ऐड करना है यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड ऐड किया है अब देखिए यहाँ पे हमने कॉर्ड को ऐड कर लिया है थ्री सेक्शन में और अब हमें क्या करना है इस वाले वन कॉर्ड और इस वाले वन कॉर्ड को देखिए यहाँ जो पहला ये लाइन है इसके फर्स्ट कॉर्ड लेने हैं और इस साइड के फर्स्ट कॉर्ड लेने हैं ये दो कॉर्ड लेने हैं हमें और इसमें एक बिट्स लगाना है गेन हमें इसके बगल वाले दो कॉर्ड को ऑर्ड लेने हैं देखिए इस तरह से हमें कॉर्ड लेना है इसके फर्स्ट इसके फर्स्ट फिर बिट्स लगाने हैं और ये दोनों साइड से कॉर्ड लेने हैं तो अब हमें क्या करना है इसे बिट्स को ज्यादा ऊपर की ओर नहीं रखना है हमें ये थोड़ा लूज ही रहेगा Again, हमें ये वाली नॉट फिर से लगानी है सबसे फर्स्ट आप राइट हैंड ऊपर करें फिर अगेन अब नेक्स्ट इस साइड में भी सेम वही प्रोसेस है देखिए यहाँ का पहला और यहाँ का पहला कॉर्ड हमें लेना है बिट्स इसमें लगानी है और सेम नॉट बनाना है तो इसी तरह से हमें यहाँ पे और इसे थोड़ा लूज लूज बनाए बिल्कुल टाइट ना करें इसे बिट्स को ये तो अब हमें क्या करना है इस तरह से यहाँ पे हमें पूरी लाइनिंग बनानी है थ्री फोर लाइन आप इस तरह से बना लें अब देखिए यहाँ पे इस तरह हमें ब्रिट्स लगाकर आगे बनाते जाना है तो यहाँ मैंने फर्स्ट लाइन कंप्लीट करके सेकेंड लाइन में एंट्री किया है तो देखिये सेकेंड लाइन के लिए हमने इस दोनों के सबसे पहले कॉर्ड लेने हैं और इसमें सेम इसी तरह से बिट्स लगाना है और ये फोर फोर कॉर्ड लेकर हमें ये नॉट कंप्लीट करना है तो इस सेम इस तरह से बिट्स हमें फोर टाइम लगाना है लाइन हो गए हैं देखिए फोर लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है इस वाले के लास्ट कॉर्ड को लेनी है किसी भी एक कॉर्ड के लास्ट वाले इस कॉर्ड को लेना है और अब हमें इन सारे कॉर्ड को फोल्ड करना है तो देखिए ये मेन कॉर्ड हो जाएगा और ये सब जो पीछे वाले बैक साइड के कॉर्ड है इसे इसके ऊपर हमें फोल्ड करना है वन हर एक को आप टू टाइम्स फोल्ड करें फिर नेक्स्ट जितने भी कॉर्ड है सभी को हमें इसमें फोल्ड करना है टू टू टाइम्स इस तरह से ये पूरा सर्किल जैसा ये बन जाएगा यहां आप देखिए एक लाइन ये बिल्कुल कंप्लीट हमने इसे फोल्ड कर दिया है ये पाइपिंग वाले नॉट है अब हमें सेकेंड ये मेन कॉर्ड है इसमें वन टाइम हमें अगेन और इसे फोल्ड करना है अब देखिए यहाँ पे डबल टाइम इसे मैंने फोल्ड कर लिया है अब सारे कॉर्ड को यहां इस तरह से इक्वल करके आप पकड़ लें और इनमें से जो सबसे बड़े कॉर्ड हैं उसे इस तरह से हमें आगे की ओर रखना है और इस होल से इसे ऐसे टाइट करना है नेक्स्ट सेम यही प्रोसेस हमें इस तरह घुमाना है और इसमें इस तरह से हमें इसे टाइट करना है ऐसे घुमाना है हमें और इसके बीच से इस होल से हमें कॉर्ड को निकालना है सेम इसी प्रोसेस से हमें इसे टाइट करना है फाइव टाइम यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें बांधना है तो यहाँ पे मैंने थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम हमने इसे फोल्ड किया है आप चाहे तो इसे इलेवन टाइम भी कर सकती हैं और अब हमें क्या करना है ये जो छोटे बड़े कॉर्ड हैं यहाँ पे तो अब हमें क्या करना है दो कॉर्ड इस तरह से आप मिला लें और इसे कट करके मैंने यहाँ पे मोती यहाँ पे लगाना है मुझे बिड्स अब देखिए यहां पे हमें बिट्स कैसे लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये छोटे वाले कॉर्ड के हिसाब से हम इसे कट कर देंगे ये कोई भी दो कॉर्ड इक्वल होने चाहिए और इसे आप चाहे तो लंबे में लटकाएं छोटे में जो भी साइज आप इसमें रखना चाहती हैं आप रख सकती हैं देखिए यहां पे हमने फर्स्ट बिट्स लगाया है यहाँ सेकेंड के लिए ये बगल वाले कॉर्ड को हमें इस तरह से मेजर करना है और इसे इक्वल कट कर लें सेम यही प्रोसेस से हमें सारा बिट्स यहाँ पे अटैच करना है और कहीं भी अगर आपके कॉर्ड भी छोटे हो जाते हैं और आपको कॉर्ड ऐड करना होता है तो यही प्रोसेस से आप इसमें कॉर्ड ऐड कर सकती हैं तो सेम यही प्रोसेस से सारे कॉर्ड को छोटे बड़े हिसाब में हमें यहाँ तक एडजस्ट कर देना है अब देखिए यहाँ पे मैंने बिट्स लगा दिए हैं तो इस तरह से छोटे बड़े कॉर्ड में हमें इस तरह से बिट्स लगा लेना है और अब हमें क्या करना है यहाँ पे रिंग कहीं कहीं पे खाली बच जाते हैं तो इसे हमें फिल करना है तो फिल करने के लिए यहाँ से जो कट किए हुए कॉर्ड बच जाते हैं उसे हमें लेने हैं और इस तरह से रिंग के ऊपर कॉर्ड को रखना है और इसे इस तरह से हमें अंदर की तरफ खींचना है टाइटली नेक्स्ट तो इस प्रोसेस से हमें सारे रिंग को जहां जहां खाली है ये पूरे रिंग को हमें कवरअप करना है और इस साइड जो ये बच जाते हैं इसे हमें कैंडल से इस तरह यहाँ अंदर की ओर चिपका देना है तो सारे को अब मैं आपको कवर अप करके दिखाती हूं अब देखिए यहाँ पे पूरा रिंग हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है तो ठीक इसी तरह से आपको कवर अप कर लेना है रिंग को तो फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसेस से मैंने एक और बनाया है और सिर्फ इसमें हमने यहाँ पे चेंज किया है यहाँ पे हमने पाइपिंग वाले नॉट्स लगाए हैं और यहाँ सेम यही स्टेप हमने यहाँ पे टू राउंड लगाकर सेम इस तरह से बनाया है तो दोनों को देखेंगे आप तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा तो फ्रेंड्स आप इस दोनों तरह का बना सकती हैं बहुत ही इजी है ये और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगेंगे और इसमें आप फ्लावर डालें तो ये और भी सुंदर निखर कर आएगा और अपने और आपके रूम को एट्रैक्टिव बनाएगा तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मेरे वीडियो को तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही तब तक के लिए टेक केयर बाय